डीटीसी के किराए में कमी का प्रस्ताव केजरीवाल सरकार दिसंबर महीने में लेकर आई थी। दिल्ली में सड़क पर प्राइवेट गाड़ियों की भरमार और प्रदूषण को आधार बनाकर सरकार ने यह प्रस्ताव तैयार किया था। सरकार ने 1 से 31 जनवरी तक पूरी दिल्ली में किराए में 75% तक कटौती का फैसला किया। फाइल वापस करने की खबर मीडिया में आने के बाद सुबह सुबह दिल्ली के परिवहन मंत्री सत्येंद्र जैन उपराज्यपाल से मिलने पहुंचे। करीब आधे घंटे तक सत्येंद्र जैन उपराज्यपाल सचिवालय में रुके। बताया जा रहा है कि उपराज्यपाल ने परिवहन मंत्री को डीटीसी किराए को लेकर कुछ सुझाव दिए हैं। हालांकि परिवहन मंत्री सत्येंद्र जैन ने इसे महज अनौपचारिक मुलाकात बताया है। अभी एलजी साहब के पास नव वर्ष की और लोहड़ी की बधाई देने के लिए गया था और उनसे बड़ी अच्छी मुलाकात हुई। बस दिल्ली सरकार ने नॉन एसी बसों का किराया 5 से 15 रुपए की जगह सिर्फ 5 रुपए, जबकि एसी बसों का किराया 10 से 25 रुपए की जगह 10 रुपए करने का प्रस्ताव रखा था। इसके अलावा एसी और नॉन एसी बसों के लिए डेली पास की दरों को भी 40 और 50 रुपए की जगह 20 रुपए करने की बात कही गई थी। किराया कम करने के पीछे सरकार का तर्क था कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ओर आकर्षित होंगे और दिल्ली में प्राइवेट गाड़ियों की संख्या सड़कों से कम होगी, लेकिन पिछले कई सालों से घाटे में चल रही डीटीसी की अर्थव्यवस्था ने उपराज्यपाल को ऐसा करने से रोक दिया और सरकार की उम्मीदों पर पानी फिर गया। इसके अलावा ये भी साफ कहा गया है कि प्रस्ताव तैयार करने में वित्त विभाग की कोई सलाह नहीं ली गई। उपराज्यपाल ने फाइल लौटाने के पीछे 7 साल से किराए में बढ़ोतरी नहीं किए जाने और डीटीसी के घाटे को वजह बताई है। हालांकि डीटीसी के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो बीते 5 सालों में डीटीसी के घाटे में लगातार इजाफा हुआ है। साल 2011-12 में घाटा 2431 करोड़ रुपए था, जो कि 2012-13 में बढ़कर 2914 करोड़ हो गया। वही 2013-14 में 1363 करोड़, 2014-15 में 2917 करोड़, इसके साथ ही 2015-16 में ये बढ़कर 3506 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इसके अलावा डीटीसी के बेड़े में बसों की संख्या भी लगातार घटती जा रही है। जानकारों के मुताबिक दिल्ली की आबादी को देखते हुए बेड़े में कम से कम 15,000 बसें होनी चाहिए, जबकि साल 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान बसों की संख्या जो करीब 6,000 थी वो अब घटकर 4,000 तक पहुँच गई है। जाहिर है कि उपराज्यपाल सचिवालय से फाइल लौटाए जाने के बाद सरकार के पास दो विकल्प हैं, या तो सुधार के साथ दोबारा फाइल भेजी जाए या फिर इसे फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। विश्वजीत झा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।